नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में बीजेपी के अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन किदवई नगर स्थित राष्ट्रीय कॉलेज मैदान में किया गया था। उन्होंने पिछली सरकारों पर अनुसूचित वर्ग के महापुरुषों की उपेक्षा का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें अनुसूचित वर्ग के महापुरुषों की जयंती नहीं मनाती थी, उनके नाम पर बने स्मारकों भवनों को हटाने का कार्य करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। चौबीस से पहले बीजेपी का प्लान बसपा अध्यक्ष मायावती के वोट बैंक को साधने का है और दलित वोटरों को साधने के लिए वाल्मीकि जयंती से बड़ा मौका और क्या हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने के लिए सनातन के साथ साथ सनातन के ध्वजवाहक सीएम योगी का सहारा लिया। कानपुर के अनुचित वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी महर्षि वाल्मीकि और रामायण का जिक्र कर दलितों को साधते नजर आए। कहा, आज हर मंदिर में रामायण का पाठ किया जा रहा है। पिछली सरकारें घबराती थी कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, उनके नाम पर कार्यक्रम नहीं होने देते थे, यहाँ तक कि भवनों का नाम तक बदल डाला। भाइयों बहनों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो महर्षि वाल्मीकि पर, संत रविदास पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर सकता हो? हर भारतीय को करना चाहिए, हर भारतीय करता है, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। पिछली सरकारें आपको समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। यही नहीं, सीएम योगी ने कानपुर की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला और सौगातों के बहाने बीजेपी के लिए जमकर माहौल बनाया। पिछले 6 वर्ष के अंदर जहां 3.25 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, वहीं 55 लाख गरीबों के लिए एक एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1.54 करोड़ से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1.54 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1.75 करोड़ परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। 2024 में अगर सरकार बनाना है तो दलित मतदाताओं को रिझाना है, और इसके लिए सभी सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। इसको लेकर बीजेपी रणनीतिकारों ने दलित वोटरों को साधने के लिए सम्मेलनों की योजना तैयार की है और इस रणनीति पर लगातार काम जारी है। दरअसल बीजेपी की ये रणनीति है कि अनुसूचित वर्ग में इस बात का संदेश दिया जाए कि बीजेपी ने ही इस वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया है। वहीं इन सम्मेलनों में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि मोदी और योगी सरकार की योजनाओं में अनुसूचित वर्ग को लाभ मिले। मुझे प्रसन्नता हो रही है जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के अवसर पर हम संवाद बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे, इन सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार देगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने कमेटी का गठन कर दिया है और हमने कहा समय से रिपोर्ट दो, कोई उनका शोषण न करने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। भाइयों बहनों, आज आप शासन की योजनाओं को हर गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचते हुए देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यूपी साधने के लिए दलित वोटरों को साधना जरूरी है। और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटरों ने जिस सियासी दल का साथ दिया, सत्ता के सिंहासन पर वही सवार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि दलितों को साधने का मेगा प्लान क्या है। ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, बस्ती संपर्क अभियान, दूसरा भीम सम्मेलन, अनुसूचित वर्ग सम्मेलन और नमो मित्र प्लान भी इसके लिए तैयार किया गया है। तो इस तरह से दलितों को साधने की तैयारी है। अब आप ये भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर आखिरकार अहमियत क्यों रखता है। दलितों की आबादी लगभग 22% है।
और आपको ये भी बता दें कि 22% में जो सबसे बड़ी संख्या है वो जाटव मतदाताओं की है। जाटव मतदाता करीब 14% है। उत्तर प्रदेश में दलितों की 66 उपजातियां हैं। 42 जिलों में जो दलितों की संख्या है वो 20% से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो देखिए यहीं पर कई ऐसी सीट है जहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं दलित। वोट सरकार बनाने की गारंटी मानी जाती है और इसीलिए ये वोटर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन्हें साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए अब ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की हम बात करें तो सभी की इस वक्त तैयारी यही है कि ये जो एक बड़ा वोट बैंक है इसको साध लिया जाए, इसे अपने पाले में कर लिया जाए।